सुनील, आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, कहा यही जा रहा है कि मराठा आरक्षण पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। क्या गहमा गहमी वहां पर देखने को मिल रही? बिल्कुल अनंत, देखिए मराठा आरक्षण को लेकर आज बहुत ही बड़ा और अहम दिन है, क्योंकि विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और जो उम्मीद है, कयास लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 फीसदी जो है कि आरक्षण मराठा समाज को फिर से दिया जा सकता है। यानी कि अभी पिछले दिनों ही जो पिछड़ा आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट को जो है पहले 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस कैबिनेट मीटिंग में उसे पटल पर रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है कि 11 बजे जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा और सत्र शुरू होगा, उसके बाद जो है कि ये जो अध्यादेश है उसे जो है कि पटल पर रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। तो बहुत उम्मीद है कि मराठा समाज को फिर से एक बार 10 से 12 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो पिछड़ा आयोग को आधार बनाकर जिस तरह से जो आरक्षण देने की बात की जा रही है, क्या वो इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? क्योंकि उम्मीद यही है कि बार बार वो इस पर चुनौती होती रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बाला साहेब थोरा जी। सर, एक बड़ा सवाल है, आज बड़ा दिन है, मराठा आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, आप लोग की भूमिका क्या रहेगी और जो सरकार कदम उठाने जा रही है, आप क्या मानते हैं कि किस ये काम कर पाएगा? क्योंकि मनोज जरांगे वहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सगे संबंधियों को नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे। आज का कामकाज के बारे में हमारे मन में संदेह कुछ है ही, जो आपके मन में है, क्योंकि इसका बिजनेस एडवाइजरी जो होनी चाहिए थी हुई नहीं है। तो आज उन्होंने हमारे जो गट नेता होते हैं उनकी बैठक बुलाई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, अध्यक्ष महोदय ने, उसमें कुछ हमें स्पष्टीकरण मिल जाएगा। यानी आप लोग को कुछ चर्चा ही नहीं हुई? कुछ नहीं, हाँ ऐसी चर्चा हुई नहीं जो होनी चाहिए थी, लेकिन आज बैठक बुलाई है उन्होंने। लेकिन इतना तो जानते ही हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया, मराठा आरक्षण के लेकर है कि बाकी आपने जो कहा चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसे पूछे क्या आरक्षण के पक्ष में है या नहीं दिया जाएगा, तो वो उसके बारे में हमें स्पष्टीकरण लेना है सरकार से। लेकिन मराठा आरक्षण के पक्ष में तो आप लोग भी हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए मराठा आरक्षण का विरोध यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है, सिर्फ विरोध जो है वो ओबीसी नेताओं का जो है वो इस बात को लेकर है कि उनके जो आरक्षण है उसका अधिकार न छीना जाए। सीधे सीधे मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है तो वो होगा, लेकिन मनोज जरंगे जो है वो अड़े हुए हैं कि कुनबी के तहत ओबीसी में उन्हें आरक्षण दिया जाए और जितने मराठा हैं जिनके पास कुनबी का प्रमाण पत्र है उनके सगे संबंधियों को भी उसमें समाहित किया जाए, इसी बात को लेकर अड़चन है और वो अभी भी इसी को लेकर जालना में बैठे हुए हैं। आज 11वां दिन है और उन्होंने साफ कर दिया है कि आज जो चर्चा होगी और जिस तरह से उन्हें नोटिफिकेशन दिया गया था कि सगे संबंधियों को भी कुनबी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो वो अपना आमरण अनशन नहीं छोड़ेंगे, वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे, आंदोलन और तेज करेंगे। लेकिन अभी तक कहीं ऐसी चर्चा नहीं है कि सगे संबंधियों पर कुछ चर्चा होने वाली है। जो खबरें छनकर आ रही है वो यही आ रही है कि मराठा समुदाय को 10 से 12 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर।